कांग्रेस पर एक बार फिर पक्षपात भरी कार्रवाई के आरोप लगे हैं। कुछ माह पहले घर में घुसकर 10 लाख रुपए की लूट के मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार अनशन पर बैठ गया। मामला मौदाहा के ग्राम टिकरी बुजुर्ग का है, जहां करीब 3 माह पहले एक परिवार ने कुछ दबंग लोगों के द्वारा घर में घुसकर लूट करने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी की गंभीर मामले में सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस लगातार हीला हवाली कर रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने मौदाहा तहसील में SDM मौदाहा को एक ज्ञापन सौंपा और फिर अनशन पर बैठ गया। पीड़ित तेज प्रताप सिंह परिहार का आरोप है कि बीते 20 जून को जब वह अपनी ममेरी बहन का तिलक लेकर जालौन के एक गाँव में गए थे, तभी गांव के कुछ दबंग उनके घर में घुसे और लगभग 10 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया। इस मामले में शिकायत की गई थी, जबकि पुलिस ने इस घटना को चोरी दर्शा दिया। मतलब हमारी माता जी जब थक के परेशान हो गए, चारों तरफ जो है कप्तान साहब के पास भी गए, CO साहब के पास भी गए, DIG साहब के पास भी गए, हर जगह से आश्वासन ही मिलता रहा, चलिए अभी कार्रवाई हो रही है, अभी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब देखा गया, इसको सबसे बड़ी बात यह कि हाँ, हमारे पिताजी भी पुलिस विभाग में दरोगा से रिटायर्ड हुए हैं और छोटा वाला भाई पुलिस में। अब गांव में लोगों को ये होता है लोन के घर में 3-3 लोग इनके पुलिस में, उसके बावजूद ही पुलिस इनकी नहीं सुन रही है, तो आखिर क्या वजह है, यही हम जानना चाह रहे थे। आखिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुनने को तैयार? हम मौदा तहसील में यहाँ SDM साहब को सूचना देने के बाद माताजी और कजिन सिस्टर हमारी अमरण अनशन पर बैठी, जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, हमारे जेवरात हमको नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। न्यूज़ वीक के लिए हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।